नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ अनामिका सिंह। खबर यूपी के एटा से है। जिस तरीके से आज पूरे प्रदेश में कोरोना वैक्सीन को लेकर ड्राई रन हुआ, वही जनपद एटा में करीब 20 जगह वैक्सीनेशन का ड्राई रन किया गया। डीएम सीएमओ एसएसपी जनपद में लगातार वैक्सीनेशन को लेकर तैयारी करते दिखे। वही सीएचसी अलीगंज में भी ड्राई रन किया गया, जिसमें एमओआईसीजी डॉक्टर रमेश शर्मा अपने सहकर्मियों के साथ कल से तैयारियों में लगे रहे। कोविड 19 के जनपद एटा के नोडल डॉक्टर अशोक कुमार जब वैक्सीनेशन के ड्राई रन का परीक्षण करने सीएचसी अलीगंज पहुंचे, निरीक्षण के बाद वो संतुष्ट नजर आए। वहीं उन्होंने एमओआईसी डॉक्टर राजेश शर्मा की पीठ थपथपाई और पूरी टीम को बधाई दी। प्राइम न्यूज 24 के लिए एटा से ब्यूरो चीफ विकास दुबे की रिपोर्ट। ड्राई रन के लिए निरीक्षण और ड्राई रन की संपूर्ण व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं और जो है यहाँ पर एमओआईसी और जो है सभी लोगों ने बहुत अच्छा कार्य किया है। और मैं समझता हूँ हमारा जो प्रोग्राम शुरू होगा 16 से संभवतः, तो वो जो है ना बहुत अच्छा रहेगा। आपको बता दें, जिस तरीके से कोरोना ने पूरे देश में महामारी का एक रूप व्याप्त किया था, पूरी जो सरकारें थी, लोग थे, त्राय त्राय कर रहे थे, वहीं आज जो है जनपद एटा के अलीगंज में आपको बता दें ड्राई रन का जो है शुरुआत की गई है। मेरे साथ सीएचसी पर अलीगंज के जो इंचार्ज हैं, प्रभारी जो डॉक्टर राजेश शर्मा मौजूद हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं किस तरीके से आज जो है लगातार जो है इंतजाम जो चल रहे हैं। मौजूद हैं डॉक्टर राजेश शर्मा, इनसे बात करें। सर, आज जो है ड्राई रन का जो है आयोजन किया जा रहा है और किस तरीके से इसकी तैयारियां हैं, आप निरीक्षण कर रहे हैं लगातार, कल से लगातार आप लगे हुए हैं, किस तरीके से इसकी चल रहा है? ये हमारे जो है आने वाला वैक्सीन का जो है प्री प्लानिंग, इसमें हमारे जो है सामने सबसे पहले जो है गार्ड है, वो हमें जब भी एंट्री देते हैं जी, तो वो बिना आपका प्रमाणपत्र, उसके बाद जब वो वहाँ से आ जाते हैं तो हमारा एक वैक्सीन कॉल है जहाँ पर हमारा एक व्यक्ति होगा, वो उनको नाम पूछ के उनका वेरीफाई कर लेगी कि हाँ ये नाम क्या है। उसके बाद जब ये यहाँ पर आ जाएंगे, जैसे ही वहाँ पर हमारा जो है सत्यापन अधिकारी है बैठे हुए, जब वो फ्री हो जाएंगे तभी यहाँ से उनको कॉल करके बुलाया जाएगा और यहाँ पर जो है उनका डॉक्यूमेंट्स का सत्यापन किया जाएगा, जिसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सब जो है उनका देख के उसके बाद उनका सत्यापन करके ऑनलाइन पोर्टल पे जो है एंट्री कर दिया जाता है। उसके बाद जब ये एंट्री हो जाएगी, उसके बाद इनको हम वैक्सीनेशन के लिए वैक्सीनेटर के पास भेजेंगे, जहाँ पर हमारा वैक्सीनेटर जो है वो पूरी तरह से तैयार है वैक्सीन को लेकर, और वो उनको वैक्सीन देने के लिए जो भी उनकी शर्तें हैं वो उनको बताते हैं। चार संदेश भी उनको दिया जाता है कि भाई आपको जो है कोरोना का वैक्सीन लगाया जा रहा है, और अगर आपको मान लो कि किसी तरह का दिक्कत आए कोरोना वैक्सीन लगने के बाद, तो आपको एक फोन नंबर दिया जाएगा, उससे आप कॉन्टेक्ट कर सकते। दूसरा कि अगले बार जो 28 दिन के बाद दूसरा डोज लगेगा, अगर उसको आपको मैसेज आएगा, ऐसे कोई बताएगा नहीं, आपके सीधा मोबाइल पे मैसेज आएगा। उसके बाद आपको जो है लगने के बाद भी आपको हमारा कोविड का जो प्रोटोकॉल है उसको पालन करना है, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। जिस तरीके से कोरोना काल में कोरोना योद्धा बनकर उभरे थे हमारी पूरी मेडिकल टीम है सीएचसी अलीगंज की, तो एक बहुत अच्छी पहल भी की थी, दिन रात जो है लगातार तैयारियां की गई थी, आज ड्राई रन का भी आगाज किया जा रहा है। सीएचसी पर जो है प्रभारी जो अधीक्षक हैं।